गाइस, बेसिकल आपने देखा लाइफ। अभी प्रकाश भाई से पूछा है मैंने, तो प्रकाश भाई ने जो भी बोला एड्रेस आपको मेंशन कर दिया जाएगा। अभी खाने के बाद राइस पता चलेगा यहाँ का टेस्ट कैसा है। ये हम अपने शक्तिमान से कितने किलोमीटर दूर आए यहाँ पे खाने के लिए? 10 किलोमीटर दूर राइस खाने के लिए। राइस हमले राइस कैसे कैसे लोग रहते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी तुम्हारा भाई जा रहा है फ्रेश होने के लिए। और कैसे हो सभी? आई होप बहुत ही अच्छे हो आप सभी। एंड अभी मैं सो के उठा हूँ और तुम्हारा भाई भी जा रहा है फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होने के बाद फिर सोचते हैं कि आज कहाँ जाएंगे हम। एंड मुझे भी नहीं पता आज हम कहाँ जाएंगे, बट अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फ्रेश होने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? एंड गाइस, हम आज जा रहे हैं बाबा जी के पास। आपने देखा ही होगा हमारा फर्स्ट ब्लॉग बाबा जी वाला पार्ट वन, जिसमें हम गए थे बाबा जी के पास शक्ति फार्म में। बाबा जी हुए वायरल, तो बाबा जी हमें मिले नहीं, और आज हम जा रहे हैं फिर से बाबा जी के पास। और आज देखते हैं कि बाबा जी हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि खबर आया कि बाबा जी वहीं पर हैं अभी। तो हम जा रहे हैं आज उनका राज जानने के लिए कि क्या है आखिर उनका, बाबा जी क्यों हुए वायरल। तो फिर चलते पीछे देख सकते हैं, गांडू भी आ रहा है। पीछे देखो, गांडू आ रहा है हमारे पीछे। ये देखो, पीछे गांडू है ये। और फिर चलते हैं आज के ब्लॉग में। गांडू भी जाएगा हमारे साथ, गांडू भी जाएगा हमारे साथ, क्योंकि गांडू रहता है तो मजा कुछ अलग ही आता है। क्यों पब्लिक, चलते फिर मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अंदर जाके बाबा जी का धाम देखेंगे, अंदर कैसा क्या होता है। चलो चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी लोग दूर दूर से यहाँ से आ रहे हैं। काफी पब्लिक है और सभी आ रहे हैं यहाँ पे दूर दूर से। और बाबा जी आपको दिखाते हैं, बाबा जी इधर बैठे हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी पब्लिक है, लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो सभी अपने लाइन लाइन से बैठे हैं यहाँ पे। एंड अभी यहाँ बाबा जी का बैनर भी देख सकते हो यहाँ पे। जो जो बाबा जी का चैनल नहीं देखा, जाओ और जाके सब्सक्राइब कर लो बाबा जी का चैनल। एंड बाबा जी मेंशन करेंगे। हाँ, ये महाकाली धाम। और बाकी गाइस यहाँ देख सकते हो बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं। ये देख सकते काफी दूर से है ये लोग। देखो गाइस, सही से चल भी नहीं पा रहे, और यहाँ पे भी बाबा जी के पास जाके बाबा जी झाड़फूंक करेंगे, फिर देखना गाइस ये चलने लगेंगे अभी थोड़ी देर में। पब्लिक लोग बहुत बहुत दूर दूर से यहाँ से आ रहे हैं। एंड अभी हमारा सूरज भाई जाएगा यहाँ से। तो पब्लिक लोग यहाँ पे देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, ये बाबा जी अभी झाड़फूंक कर रहे हैं। गाइस, आपने अभी देखा प्रकाश को बाबा जी झाड़फूंक कर रहे थे, और अभी प्रकाश से पूछते कि प्रकाश को कैसा फील हो रहा है। तो प्रकाश भाई बताओ। जब बाबा जी ने डंडा लगाया तुरंत तुरंत दर्द गायब हो गया एकदम इससे। अच्छा, और कैसे कैसे फील हो रहा है अभी? तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। पहले तो दर्द के मारे में चल भी नहीं पा रहा था सही से, अभी थोड़ा चल पा रहा हूँ सही से। तो आप
जो है ये बाबा जी यहाँ पे, ये रियल फेमस है, बाबा जी का धाम, यहाँ आ सकते हैं। एड्रेस आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो आके देख दिखा सकते हैं। आके यहाँ पे आके सही हो जा रहे हैं, तो मैं भी से निवेदन करता हूँ आप यहाँ पे आके अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो आके यहाँ दिखा सकते हैं। गाइस आपने देखा अभी प्रकाश भाई से पूछा है मैंने, तो प्रकाश भाई ने जो भी बोला एड्रेस आपको मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पे से तो काफ़ी पब्लिक लोग हैं यहाँ पे, एंड अभी भी यहाँ पे झाड़ फूक होते ही रह रहा है, लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सूरज को भी अभी भेजेंगे वहाँ पे, और ये देख सकते ये सूरज, इसका भी अभी झाड़ फूक चालू हो जाएगा, अभी सूरज को भेजते हैं। बाबा जी के साथ बहुत ही बात किया है, एंड अभी हम घर पे आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगा बाबा जी से बात करके, एंड बहुत ही अच्छा फील हुआ। और आपने देखा भी, हमने किसी से पूछा भी था कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो आपने देखा होगा वीडियो में। और बाकी हम घर पे आ चुके हैं, और देख तो ये सभी यहाँ पे है सूरज। तो है भाई, कैसे हो आप लोग? राइस हम आज आए हैं शक्ति फार्म से सितारगंज में राइस खाने। ये देखो ये कौन है, गांडू। मजा आया, ये हमें घर से बोल के ले आया कि हम भी जाएंगे राइस खाने मार्केट में, एंड मार्केट बोल के हमें ये सितारगंज में ले आया है राइस खाने के लिए। और ये देखो भैया राइस अभी बना रहे हैं इधर, एंड देख सकते हो ये सितारगंज में आ गए। सितारगंज से थोड़ी सी दूर है ये, एंड अभी यहीं पे राइस बन रहा है, चिकन राइस हमारा। और अभी देखते हैं कैसा राइस बनता है, टेस्ट इसको बताएंगे, राइस खाने के बाद बताएंगे इसको। अभी अंदर चलो, अंदर बैठते हैं। तो यहाँ का लोकेशन, यहाँ का लोकेशन बहुत ही प्यारा लोकेशन है, देख सकते हो यहाँ का बहुत ही मस्त बना है डेकोरेशन, देख सकते हो। अभी खाने के बाद राइस पता चलेगा यहाँ का टेस्ट कैसा है। हम अपने शक्तिवान से कितने किलोमीटर दूर आए यहाँ पे खाने के लिए? 10 किलोमीटर दूर राइस खाने के लिए, राइस ऑनली राइस। कैसे कैसे लोग रहते, क्योंकि गांडू है, गांडू गांडू ही होता है। ये बोल रहा था ये हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, बट करते करते बहुत ही दूर है, समझ सकते हो? नहीं। तो गांडू भाई बोलो कुछ ना बोलेंगे हम अभी टेस्ट में। राइस आने के बाद देखते हैं, राइस खाने के बाद राइस का टेस्ट देखते हैं कैसा है, कैसा ना है। तो राइस यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ का है, फिर भी सितारगंज समझ रहे हो? क्या बताऊं? और बाकी इधर देख सकते हो, यहाँ दिखा दो, काफी अच्छा लोकेशन है गाइस यहाँ का। अभी खाने के बाद राइस फिर टेस्ट करेंगे कैसा है। टीवी चला लो, टीवी गाइस, ये टीवी एलईडी है, इसमें गेम भी खेल सकता हूँ। अभी हमारा प्लान बना है, शाम को चलते हैं राइस खाने के लिए। और एंड अभी टाइम भी देख सकते हो आप, ये 5 बज चुका है अभी शाम के टाइम पे आए वैसे। और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सितारगंज का साइड है, ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। एंड अब देख सकते हो एकदम पूरा फिट हो गया है घर से, क्योंकि ठंडा ना लगे। बाकी इधर देख सकते हो अभी भैया बना रहे राइस, मोमबत्ती मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और बाकी जिसने फॉलो नहीं किया इंस्टा पे अपने भाई को फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं न्यू अपडेट दे रहा हूँ, फोटो रोज न्यू आ रहा है, फॉलो कर लेना।
गाइस काफी मजा आ रहा है मिथुन को। देखो गाइस किस तरीके से खा रहा है मिथुन, कैसा लग रहा है मिथुन आपको राइस का टेस्ट? आप लोगों को लेके आए खाने के लिए, आप बताओ। तो गाइस ये देखो इधर एक खा रहा है, काफी मजा आ रहा है गाइस चिकन राइस खाने में। और ये देखो गाइस ये मेरा प्लेट है, एंड इतना मजा आ रहा है क्योंकि हम कहां से आ रहे हैं, शक्ति फार्म से सितारगंज में राइस खाने वाले हैं, समझ रहे हो? तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग यानी यहाँ पर राइस खाया है, एंड राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था क्योंकि पहली बार हमने ऐसा राइस खाया है कि वहाँ पे इतना स्वाद है कि चिकन के नाम पे गाइस यहाँ पे ऑनली हमें मैदा दिया गया है, असंभव चिकन बनने के साथ। तो कोई नहीं, चूतिया बन जाते कभी कभी, और गांधी के चक्कर में आज हम चूतिया बन गए, तो कोई नहीं। किसी को भी खाना है तो अपने शक्ति फार्म के है, तो शक्ति फार्म में खाना यहाँ पे बता इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।